देश में ऐसे अनेक ज्योतिर्लिंग हैं जहां दर्शन के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। भक्तों में असीम श्रद्धा भी देखी जाती है। सावन के महीने में शिव मंदिरों की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस माह जो भी मन्नतें सच्चे मन से मांगी जाती हैं, ऐसी मान्यता है वह पूरी हो जाती है। लोगों में भगवान के प्रति अगाध आस्था ही है, जहां हजारों लाखों की भीड़ खींची चली आती है। ऐसा ही एक स्थान है तुर्री धाम, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शक्ति क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुर्री स्थित है, जहां भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां पहाड़ का सीना चीर अनवरत जलधारा बहती रहती है। खास बात यह है कि यह जलधारा कहां से बह रही है अब तक पता नहीं चल सका है। आज भी यह शोध का विषय बना हुआ है कि आखिर पहाड़ी क्षेत्रों से पानी का ऐसा स्रोत कहाँ से है जहाँ हर समय पानी की धार बहती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि बरसात में जलधार का बहाव कम हो जाता है, वहीं गर्मी में जब हर कहीं सूखे की मार होती है उस दौरान जलधारा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। इसके अलावा जलधारा के पानी की खासियत यह भी है कि यह जल बरसों तक खराब नहीं होता। यहाँ के रहवासियों की माने तो 100 साल बाद भी जल दूषित नहीं होता। यही कारण है कि तुर्री धाम के इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और जल को लोग अपने घर ले जाने के लिए लालयित रहते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि शिव मंदिरों में जब भक्त दर्शन करने जाते हैं तो वहां भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, मगर यहाँ कुछ लोग अलग ही हैं। जलधारा के पवित्र जल को घर से ले जाने के लिए श्रद्धालुओं में जदोजहद मची रहती है तथा वे कोई ना कोई ऐसी सामग्री लेकर पहुंचते हैं जिसमें जल भरकर ले जाया जा सके। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण तुर्री धाम में दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा बिहार समेत अन्य राज्यों से भी दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ के मनोरम दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। यहाँ की अनवरत बहती जलधारा सहसा ही किसी को आकर्षित कर लेती है, साथ ही लोगों के मन में समाए बगैर नहीं रहता और जो भी एक बार तुर्री धाम पहुंचता है वह यहां दोबारा आना चाहता है। करवाल नारे के किनारे स्थित तुर्री धाम में भगवान शिव का मंदिर है। यहां अन्य और मंदिर हैं जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अभी सावन महीने में ही सोमवार को तुर्री धाम में हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान यहाँ 15 दिनों का मेला लगता है जहां मनोरंजन के साधन प्रमुख आकर्षण होता है। महाशिवरात्रि में भी भक्तों की भीड़ रहती है और सावन सोमवार की तरह उस समय भी दर्शन के लिए सुबह से देर रात तक भक्तों की कतार लगी रहती है। किंवदंती है कि तुर्री धाम में बरसों पहले एक युवक को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कुछ मांगने को कहा। उस समय ग्राम तुर्री में पानी की समस्या रहती थी और गर्मी में हर जगह पानी के लिए त्राही त्राही मची रहती थी। भगवान शिव को उस युवक ने पानी पानी कहा और एक जलधारा बहने लगी जिसकी धार अब तक नहीं रुकी है। इसके बाद से यहाँ भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया। इस तरह तुर्री ने एक धाम का रूप ले लिया और भक्तों की श्रद्धा भी बढ़ने लगी। लोगों की भक्ति इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि तुर्री में पानी की समस्या अब कभी भी नहीं हुई। साथ ही गर्मी में जलधारा के पानी का बहाव तेज होने पर लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। तुर्री धाम के भगवान शिव के दर्शन से संतान प्राप्ति होती है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत अन्य जगहों से भी निसंतान दंपति भगवान शिव से दर्शनार्थ पहुंचते हैं। तुर्री धाम में जो जलधारा बहती है वह प्रकृति का उपहार होने के कारण इसे देखने वाले वैसे तो साल भर रात आते रहते हैं, मगर सावन महीने के हर सोमवार तथा महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ हजारों की संख्या में रहती है। अपनी खास विशेषताओं के कारण ही आज तुर्री धाम की छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रायपुर से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।